हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जे टू एम चैनल पे। आज किस वीडियो में बात करेंगे, एनएसपी स्कॉलरशिप एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है जिन छात्रों का पहले पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री शो होने के बाद अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री हुआ था, उसके एक या दो दिन के बाद यहाँ पे पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एजेंसी रिजेक्ट कर दिया है अपने पेमेंट फाइल को, हमारा बैंक अकाउंट भी सही है, हमारा केवाईसी भी है, हमारा फॉर्म भी पूरा सही है, यहाँ तक क्या पेमेंट मिलने की वो आने की कगार में था, लेकिन उस स्थिति में क्या हुआ, पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी शो कर रहा है पीएफएमएस के द्वारा। तो इस वीडियो में बताएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन कि क्या इसका प्रॉब्लम है, क्या आपने वाकई में कोई गलती की है या नहीं, क्या आपको डरने की आवश्यकता है या नहीं, क्या आपको पैसा मिलेगा या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, सेटिस्फेक्शन आंसर मिल जाएगा कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी से स्टूडेंट के मेरे पास स्टेटस यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, बहुत से स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी शो कर रहा है, स्टूडेंट का चार्ज 900 रुपए का अमाउंट है, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत है कि 2 साल बाद जब पेमेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं है। ठीक है, अब जब इन्होंने बेनिफिशियरी में चेक किया, जब बेनिफिशियरी में आपको चेक करना नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करेंगे। तो जब बेनिफिशियरी में इन्होंने चेक किया तब भी वहां पे एरर डिस्क्रिप्शन में रेड कलर में लिख गया रिजेक्टेड बाय मिनिस्ट्री, और यहाँ पे बिल्डिंग स्टेटस में रिजेक्टेड लिख दिया गया है। रिक्वेस्ट डेट आप देख सकते हो, ये डेट यहाँ पे लिख दी गई है, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक और स्टूडेंट का देख सकते हैं, सेम वही इशू है, पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी। अब ये है क्यों, क्या इसका सॉल्यूशन है? तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल क्रोम पे आना है, मोबाइल डेस्कटॉप का ओपन करना है, scholarshipworld.com आपको सर्च करना है, scholarshipworld.com फर्स्ट साइट आएगी, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। स्कॉलरशिप वर्ल्ड साइट पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा एनएसपी पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी पीएफ में 2024 सॉल्यूशन 101% वर्क। जी हाँ, सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे जरा देखेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आप यहाँ पे टाइटल को पढ़ सकते हो सर्च में आके, मैं आपको बारीक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ क्या है यहाँ पे। देखो, जिन भाइयों का पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी आ रहा है, ये इशू क्यों हो रहा है, इफ यू आर फेसिंग दिस इशू तो इट इज रिकमेंड दैट यू आर वेट 5 से 6 डेज। लेकिन इशू आ क्यों रहा है, If you are receiving error, this message, payment file rejected by agency, there could be several reasons. उसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं, some possible reasons जो हमारे होते हुए जो काफी से स्टूडेंट ने बात भी की है, हमने मिनिस्ट्री से बात की है और इससे पहले भी जब 2021 में 2022 में 2022-23 में इन सब का जब पेमेंट आने का आया था तब भी इनका payment file rejected by agency हुआ था, तब भी मैं इन्फॉर्मेशन ये देख रखा था कि इंक्लूड इन फ्रोजन बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रोजन है, ठीक है, या फेलियर टू लिंक यूर बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, अगर दो पॉसिबिलिटी आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि पहले जो था डीबीटी का सिस्टम नहीं था, अब आपका डीबीटी का सिस्टम है, पहले ही यूनिवर्सिटी ने चेक कर लिया कि आपका डीबीटी से लिंक है या नहीं है, यूआईडी से इनेबल है आपका शो हो रहा था, तो ये दो प्रॉब्लम आपके नहीं हो सकती। तीसरी चीज है द रिजेक्शन ऑफ द पेमेंट बाय पीएफएमएस ऑफ टेक्निकल गिल्च विद पीएफएमएस। जी हाँ, ये जो है आपकी टेक्निकल गिल्च है, क्योंकि जब पेमेंट आने को होता है, जब बड़ा अमाउंट आपका पेमेंट पीएफएमएस से कटता है या अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट होता है, तो ये बीच का जो होता है एजेंसी, जो आपके पेमेंट फाइल को एजेंसी से बैंक की ओर ट्रांसफर करता है, तो उन दोनों के बीच जो कनेक्शन नहीं हो पाता प्रॉपर ढंग से, चाहे वो आपका वो ट्रांजेक्शन आईडी से हो या आपका यूटीआर नंबर से हो, इन जब ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता, मेल नहीं हो पाता दोनों यूटीआर नंबर और क्रेडिट ट्रांजेक्शन आईडी से, तब ये जाके एजेंसी रिजेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये दोबारा आपका क्रेडिटाइजेशन आईडी जनरेट करेगा, मतलब है कि आपका यूटीआर नंबर जनरेट करेगा। आप में से काफी से स्टूडेंट है जिनका यूटीआर नंबर जनरेट नहीं किया है, यूटीआर नंबर जैसे आपका जनरेट होगा वैसे आपका पेमेंट फॉर रिजेक्टेड से सीधा अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट आ जाएगा। जी हाँ, सीधा क्या आ जाएगा, आपका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कि आप इसको पूरा पढ़ लोगे कंप्लीट, जैसा भी इसको पढ़ लोगे इस आर्टिकल को, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। ठीक है, मैंने आपको बता दी। तो ये एक टेक्निकल ग्लिच है, जो पेमेंट का तार होता है वो प्रॉपर ढंग से एजेंसी के पास नहीं पहुंच पाता है, तो वो रिजेक्ट होता है, ये अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक इसका लास्ट प्रोसेस रहने वाला है। तो ये आप देखिए, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना, सॉल्यूशन है 5 से 6 दिन वेट कीजिए, 5 से 6 दिन वेट करने के बाद हो सकता है ये अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट आपका कर दिया जाए। 101% वर्क करता है, 101% तरीका, क्योंकि लास्ट 2021 में भी मैं ये चीज बता चुका हूँ, 2022 में देख चुका हूँ, 2023 में भी देख चुका हूँ, और 2024 में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये सेम सॉल्यूशन इसका टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे देखने को मिलेगा। चौथी बात, अब आपका पेमेंट कब मिलेगा, एनएसपी स्कॉलरशिप पेमेंट कब मिलेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आर्टिकल को पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सटीक